हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक टीवी है, ये देख रहे हैं इसकी कंडीशन, देख रहे हैं कितनी बुरी कंडीशन में है। बहुत दिन से रखा हुआ टीवी देख रहे हैं, ये है इसका ट्यूब। बहुत मुझे लगता है 2-3 साल से रखा हुआ है और TCL का है। सर्किट भी ये है इसका, हालाँकि सर्किट थोड़ा मैंने साफ़ किया है, लेकिन ट्यूब देख रहे हैं कितना गंदा है, बहुत दिनों से रखा हुआ है। तो ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि टीवी तो चालू है लेकिन इसका ट्यूब डाउन हो चुका है, पिक्चर बहुत बुरी तरह से डाउन हो चुका है। देख सकते हैं पिक्चर में, आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा। देख रहे हैं इसकी ये कंडीशन हो गई है। तो ऐसा नहीं कि इसमें बेस ख़राब है या बेस डाल देने से हो जाएगा, हालांकि मैंने दूसरा इसमें TCL किट लगाया है। पहले इसमें सर्किट दूसरा था तो मैंने लगाया, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो इसका बेस ये सही है और मैंने खोल के भी देखा, मैंने फोकस भी यहाँ से ट्राई करके देखा, लेकिन कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, वरना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और पिक्चर तो पूरा बैठ गया, स्क्रीन फुल करने के बाद भी इतना ही है, देख रहे हैं फुल करने के बाद भी इतना ही। तो दोस्तों ये है सिम्टम ट्यूब डाउन होने का, क्योंकि अगर ट्यूब हम 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर रख देते हैं बंद करके टीवी, तो पिक्चर ट्यूब डाउन हो जाता है। तो आज मैं ट्यूब को चार्ज करूँगा और मेरे पास आज चार्जर भी नहीं है। मेरा चार्जर कोई लेकर मांग के गया, जो मैंने कि बनाया था, उस चार्जर को खुद ही बनाया था। और मैं आज चार्ज करूँगा अभी बिना चार्जर के। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बिना चार्जर के हम ट्यूब को कैसे चार्ज कर सकते हैं, एक कोशिश है हमारी। देख रहे हैं अब इसमें से देखिए एक स्पीकर भी निकाला हुआ दोनों, मुझे लगता है इसे भंगार समझ के फेंक दिया गया। देख सकते हैं ये इसमें स्पीकर भी नहीं है। तो आज मैं इसको चार्ज करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि चार्ज कैसे होता है, और आप भी कोशिश करेंगे तो अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो किस तरीके से, अगर ट्यूब को फेंकना है, अगर ट्यूब ख़राब है, अगर ऐसा लगता है कि यार तो फेंक देना चाहिए, दूसरा ट्यूब डालना है, या फिर ट्यूब चार्जर नहीं है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो एक ऑप्शन और आपके पास बचता है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप ट्यूब को कैसे चार्ज कर सकते हो अभी इसी ESD से। ये जो हमारा TV का ESD होता है, मैं इसी से चार्ज करके आपको दिखाऊँगा। एक आइडिया है मेरे पास दोस्तों, मैंने किया था 1-2 बार तो वो सक्सेस हुआ था, तो आज मैं फिर करूँगा। और लेकिन बड़े ही सावधानी से करना पड़ता है उन चीज़ों को, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखता हूँ पिक्चर इतने टाइम से चालू, कुछ तो सुधार हुआ रहेगा। जी बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है ट्यूब का, तो कोई मतलब ही नहीं है। देख सकते हैं कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ, सबसे पहले टीवी को बंद कर देना है। अब हमें ढूंढना है कि हमारा हीटर का पॉइंट इसमें कौन सा है। तो आइए आज हम हीटर का पॉइंट ढूंढ लेते हैं, देखते हैं यहाँ से ढूंढना हमें हीटर। हीटर देख लीजिए, यहाँ से हमारा जो है 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, ये हमारा हीटर पॉइंट है। उसके बाद बचता है हमारा ये ब्लू है, हीटर है, फिर ग्राउंड है। तो इस ये जो हीटर है ना, इस हीटर को हमें ग्राउंड कर देना है। जो हमारा हीटर होता है उसे ग्राउंड करना है, और इस हीटर को ग्राउंड करना है, और ग्राउंड करना है, और ये जो ग्राउंड है उसको भी ग्राउंड करना है। दोनों को मुझे ग्राउंड कर देना है। अगर इसको नहीं भी करेंगे तो भी नहीं कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों को हमें ग्राउंड कर देना है। तो आइए मैं फटाफट अब मैं ग्राउंड करूंगा, ग्राउंड करके फिर क्या करता हूं मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्यूब को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं अगर कोई ऐसा फॉल्ट है। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगा, और मेरे हर वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं आता हूँ। दोस्तों आज मैं ये एक नई जानकारी दे रहा हूँ, शायद अभी तक किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाया रहेगा, लेकिन मैं आज इसको आप वीडियो बना रहा हूं और देखता हूं इसका रिजल्ट आपके सामने क्या मिलता है आपको। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। तो हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो हमें एक छोड़ देना है, ये दोनों हीटर का जो है ग्राउंड, ये दोनों हमें ग्राउंड करना है।
तो अब मैं क्या करूँगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हमें एक बेस लेना पड़ेगा। आइए मैं बेस लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने बेस ले लिया है। एक तो ग्राउंड पहले से ही होता है, दूसरा होता है ये ब्लू, ये दोनों हीटर के हैं तो हमें इन्हीं को ग्राउंड कर लेना है। आइए मैं ग्राउंड करता हूँ, फिर क्या करता हूँ दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ग्राउंड कर रखा। अब ये मैं कैप निकाल लूँगा। देखो कैप निकालने का एक तरीका होता है, ऐसे घुमा के निकल जाता है। आपको ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, करंट लगता है। कभी भी आपको कैप निकालना तो ऐसे घुमा के निकाल देंगे, निकल जाएगा फटाक से एक बार में। तो अब हमें क्या करना है, आइए अब हम क्या करेंगे, बस ये है कि ये पता कर लेना कि ये कहीं से लीक तो नहीं, लीकेज तो नहीं है। अगर लीक रहेगा तो इसे हाथ से बिल्कुल ना पकड़ें, अगर आपके पास पकड़ तो पकड़ ले लें। तो सबसे पहले हम टीवी को ऑन करना है। हमें टीवी चालू हो जाएगा हमारा, देखिए टीवी मैंने चालू कर लिया है। अब मैंने पकड़ से, देख रहे हैं मैंने पकड़ से पकड़ लिया है। अब इसको मैं देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम चार्ज कर रहे हैं ट्यूब को। अभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको। बड़े सावधानी से काम करना होगा दोस्तों, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब मैंने क्यों ग्राउंड किया वो भी मैं बताऊंगा आपको। देख रहे हैं पूरा करंट जा रहा है, हर पॉइंट में करंट भाग रहा है, देख सकते हैं। सर्किट को थोड़ा सा रोक दें, लगातार ना करें, नहीं तो हमारा जो आउटपुट शॉर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, देखिए ये मैंने बस इतना ही कर लेना। अब हम चालू करके आपको दिखाएंगे कि हमारा ट्यूब चालू होता है कि नहीं। थोड़े टाइम थोड़ा सा सभी पे एक बार फ्लैश कर लें। अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ दोस्तों। अब मैं बंद कर लूँगा टीवी को, थोड़ा बड़े सावधानी से हमें टीवी को बंद कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैंने इसे निकाल देना है, ये मैंने निकाल दिया है। अब मुझे लगा लेना है। अब मैं देखिए आपके सामने ही चालू करूँगा, डायरेक्ट चालू कर दूँगा। देखिए यहाँ पे कभी कभी ट्यूब चार्ज रहता है, उसको देख कर मुझे करंट हल्का सा लगा है, तो वो चार्ज रहता है। देख सकते हैं फट फुट लग रहा है थोड़ा, देखिए अभी भी लग रहा है। तो हमें चार्जिंग इसका थोड़ा सा डाउन कर लेना चाहिए, नहीं तो करंट लगते रहेगा इसे। तो मैंने इसे देखिए अभी मैंने डिस्चार्ज कर लिया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसको लगा के और चालू करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आया हमारा, ताकि आपको भी पता चल सके। ठीक है, ये मैंने कर लिया है, ग्राउंड मेरा पहले से लगा है। तो आइए अब मैं डायरेक्ट चालू करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। ट्यूब हमारा चालू हो गया है, देखते हैं। एक मिनट, देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से बदल गया है पिक्चर। देखिए ये देखिए, अब मेरा ये सब एकदम बदल चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से पिक्चर भी आ गया है, हालांकि पिक्चर, एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप भी इस तरीके से कुछ चीज़ें करके आप ट्यूब को ख़राब ट्यूब को भी कर सकते हैं। मैं चालू कर रहा हूँ, पिक्चर हालांकि फैला हुआ है, तो देख सकते हैं पूरी तरह से पिक्चर मेरा चेंज हो गया, एकदम कड़क हो गया। देख सकते हैं, देखो ये कुछ नहीं हो रहा था, देखिए कितना बदलाव आ गया है। देखिए हमारा ये देखिए फोकस भी अच्छा खासा काम करने लगा दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए फोकस अच्छा खासा काम करने लगा, देखिए कम करने के बाद भी जीरो है, देखिए इतना। अब देखिए कितना बढ़ गया, देख सकते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको पूरा पिक्चर, हल्का सा छोटा करता हूँ पिक्चर, थोड़ा बढ़ा हुआ है, छोटा करके फिर मैं आपको दिखा। तो दोस्तों देख सकते हैं मज़ा आ गया यार, पिक्चर देख रहे हैं कितना बेहतरीन पिक्चर हो गया है। इस ट्यूब को फेंक दिया गया था, लेकिन आज इसमें पूरी तरह से जान आ गई है, देख सकते हैं। मैं चैनल भी चेंज करके आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं कितना कड़क हो गया यार ट्यूब, गजब भाई। मैं इसके पहले दो ट्यूब किया था, मुझे याद है वो हुआ था, एक तो थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन एक इतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना भयंकर यार अच्छा हो जाएगा। खैर यह एक ट्रिक है दोस्तों, जो कि आप इसे आजमाएं और ट्यूब को बस संभाल के आपको काम करना है।
इतना करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका टूब बिना चार्जर के चार्ज हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से जो चीज़ें हैं, मैं एक्चुअली देखो क्या है कि मेरी दुकान है और मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास चीज़ें बहुत पड़ी हैं, क्योंकि बेकाम की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि जो चीज़ें पॉसिबल है क्या उसे मैं कोशिश करता हूँ कि ये अगर है तो मैं करता हूँ। तो ये पॉसिबल है और आप थोड़ा सा सावधानी बरते, बेफिक्र होकर जाकर ट्यूब चार्ज करें, आपका ट्यूब चार्ज हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। फिर नए वीडियो में कुछ नए फॉल्ट के साथ मैं आऊँगा। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इस मैंने जो भी वीडियो बनाया अब तक, मैंने कोई ऐसा फॉल्ट आपको नहीं बताया जो कि नहीं होने वाला है या कुछ भी बता देना, ये ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं। बस ये चीज़ है कि आपको इस काम को सावधानी से करें, ये आपका 100% चार्ज हो जाएगा और ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। और काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर देना जाते जाते, अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। देख सकते हैं एक बार फिर से मैं आपको चाहिए तो चालू करके टीवी को दिखा देता हूँ जाते जाते। देखिए वही ट्यूब है, वही सब कुछ है। आज देखिए मैंने इसकी दशा बदल दी है। तो अगर आपके पास भी फेंका हुआ ट्यूब इस तरीके का है तो आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको भी एक एक्सपीरियंस मिले। देख सकते हैं, देखिए पिक्चर टकाटक एकदम है, देखिए कितना बेहतरीन हो गया है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं इस तरीके का फॉल्ट, अगर जो कि अभी तक शायद किसी ने नहीं किया होगा, मैंने किया है, मुझे खुशी हुई इस चीज़ की। और ये चीज़ मैं ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने में करता था, मैंने किया था और वो हमेशा सक्सेस रहा। तो मैंने टीवी कलर पे भी एक्सपेरिमेंट किया और ये भी सक्सेस हुआ दोस्तों। तो आप भी ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।